नमस्कार, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री आदिदेवाय नमः। मेधा न्यूज पे ज्योतिष पढ़ने के क्रम में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में वृश्चिक राशि के बारे में बात कर रहे थे, आज हम लोग कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि से क्या समझ में आता है? कुंभ मतलब घड़ा, नंबर 11, 11th हाउस, गेन्स, ग्रोथ। कुंभ क्या है? वायु तत्व है। वायु बोलते ही क्या याद आना चाहिए आपको? रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और तत्व क्या है? वायु स्थिर राशि है। वृश्चिक भी स्थिर राशि थी मगर जल तत्व थी, यह स्थिर राशि है और वायु तत्व राशि है। और आई टू ऑल वाली राशि है, सात्विक राशि है। तो आई टू ऑल मतलब क्या है? वृश्चिक वाले दुनिया भर के लिए बने हैं, अपने लिए नहीं बने हैं। वो उनके सारे एक्ट कलेक्टिव सबके लिए होने चाहिए, उनको दिल बहुत बड़ा ही करना पड़ेगा और करते भी हैं वो, मदर टेरेसा टाइप के लोग। जनरली कुंभ बोलते ही मदर टेरेसा याद आनी चाहिए आपको। जो लोग दुनिया भर के लिए जीते हैं उनका कुंभ राशि है। अब आप देखिए ये राशि कितनी इंपॉर्टेंट राशि है, छठे से छठी है। छठा आपका पेंडिंग कर्मा है तो पेंडिंग कर्मा का मैनिफेस्टेशन छठे पे है, 11th कुंभ राशि। 12th से 12th है, हिडन फियर्स का मैनिफेस्टेशन है 11th पे। तो कुंभ राशि हमारी कुंडली की ऐसी राशि है जो हमारे हिडन फियर्स को बताती है और हमारे डेली रूटीन में जो हमारे पूर्व जन्मों के वो कर्म छिपे हैं जो अनिवार्य हैं। कुंभ राशि के स्वामी दो होते हैं, शनि देव और राहु। राहु कलयुग के देवता हैं। राहु कुंडली में जहां होते हैं वो कुंभ राशि उस टाइप से ऑपरेट होती है। अगर फर्ज कीजिए कि कुंभ राशि के स्वामी राहु आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपका अपना शरीर आपको लोगों की सेवा में समर्पित करना होगा। कैसे समर्पित करना होगा? जहां शनि देव है, शनि देव मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में है तो भूमि, भवन, वाहन, माता, स्लीप, इन सब चीजों से रिलेटेड। अगर एट्थ हाउस में है तो एट्थ हाउस में जो राशि है वो राशि देखिए, मान लीजिए कन्या राशि है तो कन्या राशि सिक्स्थ हाउस की राशि है तो डेली रूटीन। ससुराल एट्थ हाउस है, ससुराल एट्थ हाउस क्यों कहा गया है? सेवेंथ हाउस का सेकंड हाउस है। जनरली ससुराल जब शादी होती है तो लोगों की लाइफ सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसीलिए एट्थ हाउस सेवेंथ हाउस से सेकंड हाउस है, आपके स्पाउस का कुटुंब। ये कुंभ राशि, वो कुंभ राशि जहां पे भी होगी वहां दांत की प्रॉब्लम होगी। आप देखिए अगर आपके लग्न पे है तो आपको होगी, थर्ड हाउस में है तो छोटे भाई बहन कहीं होगी, इलेवेंथ में है तो बड़े भाई को होगी, नाइन्थ में है तो फादर को होगी, सेवेंथ में है तो हस्बैंड को होगी, सिक्स में है तो मामा को होगी, फिफ्थ हाउस में है तो वो प्रेमी जिसके वही प्रेमी आपको अच्छा फल देगा जिसके दांत में प्रॉब्लम है, फोर्थ में है तो मदर को होगी। तो कुंभ राशि वो राशि है जो घड़ा है, रिलेशनशिप है सबके लिए। वायु तत्व की पहली राशि कौन सी थी? मिथुन। मिथुन वॉज आई टू आई, मिथुन अपने लिए ही चिंतित है, ऑलवेज चिंतित अबाउट स्वयं। तो जहां पे मिथुन है समझ लीजिए ऑलवेज चिंतित अबाउट स्वयं। दूसरी तत्व की राशि कौन सी है? वायु तत्व थी तुला। तुला इज आई टू यू, आप और दूसरा कोई, इसीलिए तुला वाले बैलेंस बनाते हैं। उनको रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, उनको दूसरा कोई चाहिए ही चाहिए। जहां पे भी तुला है, अगर यहां पे तुला है तो आपके फादर को रिलेशनशिप चाहिए, टेंथ में है तो आपको वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप चाहिए, इलेवेंथ पे है तो आपके भाई को रिलेशनशिप चाहिए, फोर्थ में है तो आपकी मदर को रिलेशनशिप चाहिए। जहां पे चंद्र है वो लोगों के मन को कोई ना कोई रिश्ता चाहिए। तो कुंभ राशि में यदि गुरु होंगे, एक कितनी शानदार राशि है ये, देखिए भगवान विष्णु ने कितनी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर कि वराहमिहिर जी ने लिखा है कुंभ राशि ऐसी राशि है जो काल पुरुष की सबसे स्पेशल राशि है। कुंभ राशि में कोई भी प्लैनेट होगा
तो वो सुख देगा। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए काम करने में सुख मिलता है, दूसरों की मदद करने में सुख मिलता है। इसीलिए यहां पे यदि गुरु होंगे तो सबसे अच्छा फल देंगे, कर्क का स्वभाव का फल देंगे। कर्क राशि नहीं बन जाएंगे, कर्क का फल देंगे। आप कर्क का वीडियो देखिएगा, कोई भी प्लेनेट होगा तो कर्क वाले सारे सिम्टम यहां पे अप्लाई हो जाएंगे। ये एक्सेप्शन है। शनि देव होंगे तो कर्क का स्वभाव देंगे, डिसिप्लिन, रूटीन, जस्टिस सबके लिए, और आपको सुख देंगे। राहु होंगे, राहु परफॉर्म्स बेस्ट। आप देखिए, राहु महाराज को लोगों ने बहुत भ्रांति फैला रखी है कि राहु धोखा है, ये है, वो सब है, मगर वो लोएस्ट मैनिफेस्टेशन है। राहु गिव्स द बेस्ट रिजल्ट इन कुंभ राशि। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी की राशि है, परोपकार की राशि है, कल्याण की राशि है। तो आप जितना कल्याण करेंगे उतना राहु प्रसन्न होंगे। जितना ज्यादा देखिए, कुंभ राशि क्या है, ट्वेल्थ से ट्वेल्थ है, और ट्वेल्थ क्या है, नो सपोर्ट। मीन को मैंने मीन के वीडियो में देखिएगा, मीन में आपको सपोर्ट नहीं है। मत क्यों सपोर्ट नहीं है? क्योंकि लिबरेशन की राशि है, सब कुछ दे देने की राशि है। जब सब दे देने की राशि है तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों सपोर्ट मिलेगा आपको? तो उसका मैनिफेस्टेशन भी कुंभ में है। इसका मतलब इफ यू वॉन्ट टू इंप्रूव योर कुंभ राशि इन द हॉरोस्कोप, यू हैव टू लर्न टू लेट गो एंड गिव अवे एनीथिंग दैट बाइंड्स यू। कोई भी वो चीज जो आपको बांध रही हो वो आपको कुंभ राशि दर्शाएगी, उसको छोड़ देने का ये आपको कुंभ राशि एजुकेट करेगी। मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बता दूं कि कुंभ राशि के स्वामी शनि है, तो शनि देव का एक्टिवेशन ईयर मैंने बताया था 36 साल। आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा 36 साल या 36 माइनस 12 या +12 और +12, इन सालों में कुंभ राशि से रिलेटेड आपको जरूर फल मिले होंगे। अगर आप किसी के कुंभ राशि मान लीजिए 9th हाउस में है, तो आप बोले कि आप 36वें साल में विदेश गए थे, तो बोलेगा हाँ। या आप ऐसी जगह अनजान जगह गए थे, बोलेगा हाँ। वहां रिश्ता बना था, कहेगा हाँ। उस रिश्ते से दुख हुआ था, बोलेगा हाँ। क्योंकि वृश्चिक और कुंभ कार्मिक राशियां हैं जो हमारे कर्मों को बताती हैं। ज्योतिष हम लोगों को, चूंकि हम लोग आयु खंड के इस पड़ाव में सीख रहे हैं, जब ज्यादातर लोग ज्योतिष किसी न किसी मजबूरी में या किसी न किसी दुख में होते हैं, तब मैं महात्मा बुद्ध की एक फिलॉसफी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि उन्होंने कहा जीवन एक दुख है। मेरी फिलॉसफी में जीवन सुख ही सुख है, जीवन में कोई दुख नहीं है। हमारा दुख किसी का सुख है, किसी का सुख हमारा दुख है। जिस वक्त हम दोनों को डिसॉल्व कर देंगे, देखिए कुंभ राशि और वृश्चिक राशि को समझने के लिए मैं आपको एक सिंबल बना देता हूं, वो आप समझेंगे तो आप कुंभ और वृश्चिक को समझ जाएंगे। ये सिंबल बना रहा हूं, कैमरा जरा यहां लगाना, लेटा आठ। जब आप समझेंगे, आठ यू बनता है, ठीक है, और लेटा आठ यू बनता है। लेटे आठ को बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। तो कुंभ और वृश्चिक ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? कुंभ वृश्चिक राशि के स्वामी है केतु और कुंभ राशि के स्वामी है राहु। राहु इज योर फ्यूचर एंड केतु इज योर पास्ट। तो इनफाइनाइट सिंबल में गाढ़ा बना दूं क्या? यहां बना देता हूं। दिस इज योर, देखिए ये सांप है, सर्पेंट, इनफाइनाइट। वेन योर फ्यूचर मीट्स पास्ट, प्रेजेंट इज मेड बॉर्न। आपका भविष्य जब आपके पास्ट से मिलता है तो प्रेजेंट का निर्माण होता है। आप किसी भी इवेंट में देखिएगा, फ्यूचर मीटिंग पास्ट विल मेक अ प्रेजेंट, पास्ट मीटिंग फ्यूचर विल ऑल्सो चेंज द प्रेजेंट। कुंडली में राहु केतु का जो एक्सिस है वृश्चिक और कुंभ को जानने में आपको राहु केतु को समझना पड़ेगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन राहु एंड केतु,
जिसमें बात यही सारी घुमा फिरा के फिर कहूंगा, मगर उसको दूसरे तरीके से कि वृश्चिक के स्वामी है केतु और कुंभ के स्वामी है राहु। तो जो भी राहु केतु का एक्सिस होगा उसको आप वृश्चिक और कुंभ के पर्सपेक्टिव में देखिएगा। डेफिनेटली ऑन दैट एक्सिस योर फ्यूचर विल मीट पास्ट टू चेंज द प्रेजेंट। एंड व्हेन यू सी द एज एक्टिवेशन वीडियो, जिसमें कि ये पहला साल है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ब्लावन ब्लायन ब्ला, तो राहु केतु जहां पे है आप देखिए कौन सा साल है वो, उसमें 12 + 12 + 12 जोड़ते चले जाइए। वो साल आपके वो साल होंगे जहां पे फ्यूचर वुड मीट पास्ट टू चेंज द प्रेजेंट। ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट का निर्माण हमारे भविष्य और भूत दोनों से होता है। इसीलिए कहते हैं कि 9th हाउस पिता का हाउस होता है, हमारे कर्मों का हाउस होता है। कर्म को जरूर सुधारिएगा, बिकॉज 9 इज द ओनली नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ। 9 × 2 = 18, 8 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 6 × 3 = 9। देयर इज नो अदर नंबर विच मल्टीप्लाइज एंड एड्स टू द सेम नंबर, इट इज अवर पास्ट लाइफ। और इससे एक हाउस पहले है वृश्चिक, और यहां से थर्ड हाउस में है कुंभ। थर्ड हाउस इज चेंज एंड 12th हाउस इज गिविंग अवे एवरीथिंग। दैट मीन्स व्हाट? थर्ड हाउस हमने बताया था तो पराक्रम था। देखिए इस बात को पिछले वीडियोस में मास्टरी करेंगे तो आपको आगे आपके वीडियोस में बहुत मजा आएगा। यू विल एग्जैक्टली रिलेट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वरना आप लॉस्ट हो जाएंगे। पास्ट लाइफ की कुंडली बना लीजिए 9th हाउस से। अब आप देखिए पास्ट हाउस से, पास्ट लाइफ से 12th हाउस क्या है? वृश्चिक। वृश्चिक में 12th, मैंने क्या बोला था, 12th हाउस इज योर हिडन फियर्स। तो आपके पास्ट लाइफ के हिडन फियर्स, हिडन फियर किस बात का होता है? जब मन में गिल्ट होता है, जब आपने चोरी की होती है, कुछ गलत किया होता है, वही आपको इस जन्म में 8th हाउस के रूप में मिल रहे हैं, जिसको कि निज दोष बोलते हैं। और यही है केतु। केतु, एक लाइन की बात, केतु का जॉब है सब चीज को जीरो कर देना, और राहु का काम है हर चीज को बढ़ा देना। तो 9th हाउस से 3rd हाउस इज पराक्रम, विच इज कुंभ राशि। आप कुंभ राशि के स्वभाव को पूर्व जन्म के पराक्रम से जोड़ के देखिए तो आपको मालूम चलेगा इस जन्म के गेन्स किस प्रकार से आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। थोड़ी ये बात आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मगर इस वीडियो को कई बार रिवाइंड करके सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुंभ राशि और वृश्चिक राशि कितनी ज्यादा कार्मिक राशि हैं और हमारे पास्ट लाइफ से कितनी खूबसूरती से रिलेट करती हैं। पूर्व जन्म का पराक्रम इज कुंभ और पूर्व जन्म का हिडन फियर इज 8th वृश्चिक। इस वीडियो को कई बार सुनिएगा, आपको अपने लाइफ के बारे में, और इसको सुनते समय आप अपने एज एक्टिवेशन को याद रखिएगा कि अगर आपका मान लीजिए 22वां साल चल रहा है तो आप यहां पे हैं, 21वां साल चल रहा है तो यहां पे 22, 23, 24, 21वां साल चल रहा है तो आप यहां पे हैं, 36वां साल चल रहा है तो आप यहां पे हैं, 34वां साल चल रहा है तो आप यहां हैं, मान लीजिए 28वां साल चल रहा है तो आप कहां पे हैं, 12, 24, 25, 26, 27, 28, आप यहां पे हैं। यहां पे राहु केतु जन्मस्थ हैं या गोचर कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि ये साल आपके पास्ट लाइफ को रिलेट करेगा। राहु इज डिजायर एंड केतु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पराक्रम किन चीजों के लिए करते हैं? जो पूर्व जन्म की डिजायर्स होती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उन्हीं चीजों को जिनको आपने इग्नोर किया है या इल्ट्रीट किया है पास्ट लाइफ में, जो कि हिडन फियर्स हैं। जैसे क्लास में होता है कि आप इस सब्जेक्ट से डरते हैं बहुत, उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, पास नहीं हो पाएंगे आप, आपको वो एग्जाम में देना ही पड़ेगा वो पेपर, उसको भले ही सप्लीमेंट्री हो, अलग से कोर्स करें, कुछ करें, तो वही है वृश्चिक राशि। यू कैन नॉट एस्केप वृश्चिक एंड कुंभ इन योर हॉरोस्कोप, बेसिकली बिकॉज कुंभ इज राहु एंड वृश्चिक इज केतु। कुंभ इज डिजायर एंड केतु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वृश्चिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपकी डिजायर आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है यू सफर, दैट इज वाई राहु इज सो ड्रेडेड। राहु इज spoken to be dreaded, I don't call it. If you want to love anything in life, learn to love Rahu. क्योंकि राहु और केतु से कोई भी भगवान या देवता जीत नहीं पाए थे, इसीलिए राहु केतु के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
आपको एक ही जगह जाना पड़ेगा जहां पे सारे देवी देवता भी जाते हैं, वो है देवाधिदेव महादेव। थैंक यू वेरी मच।